नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा सिंह। वाराणसी के सिगरा थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर छेड़खानी के विवाद में मनबर दबंगों ने पत्रकार के घर पर चढ़कर किया मारपीट, साथ ही परिजनों को किया घायल। पत्रकार के परिजनों का आरोप रहा कि जिस दबंग व्यक्ति ने हमारे घर की लड़की से छेड़खानी की है वो अपने आप को पुलिस का मुखबिर बताता है। बीती रात जब पत्रकार परिवार सिगरा थाने पर FIR करवा रहा था, वहीं दूसरी ओर दर्जनों की संख्या में मनबर युवकों ने दोबारा घर में घुसकर तोड़फोड़ की और मोहल्ले में गोलियां चलाते हुए निकल गए। पुलिस ने मौके से पिस्टल के 4 खोखे को किया बरामद। जी, मेरा नाम शबनम बानो। शबनम जी, क्या घटना घटी थी? घटना ये घटी थी कि बड़े वाले भाई की लड़की कोचिंग 9th में करती है मुस्लिम स्कूल के पास, वो उधर से आ रही थी। उसका ये कहना था कि वो 3-4 लड़के उसके साथ बदतमीजी करें, उसमें जो प्याऊ के लड़के थे और एक दानिश था, ये सब करे। तो एक छोटा उसका भाई उधर से आ रहा था, वो देखकर बोला तो उसको सब ढकेल दिए। तो वो दौड़ कर गया, अपने चचा लोग को बताया, फिर उधर कोई नहीं था, चचा और हम लोग औरतें सब दौड़ कर गए उधर से। तब तक उधर से कई लोग की संख्या में सब आए, मारपीट के राट से मारे, मेरे भाई का सर फट गया। उसके बाद में फिर हम लोग कहें 100 नंबर पर फ़ोन किया, हमारे पास डिटेल है, पूरी घटना हम लोगों ने बताया 100 नंबर वाले की। पुलिस उस वक्त तक नहीं आई, तो मैंने कहा कि सब लोग ने प्लान किया कि चलिए थाने पे चलते हैं। थाने पे गए तो यहाँ FIR करी लिखवाइए, वहाँ बताइए तो मौका क्या हुआ, सारी बातें हम लोग बताते थे। वो लड़का सर पकड़ के चक्कर खा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। तब उसके बाद वो प्रेस वाले भैया लोग सब आए, उन लोगों ने जब वहाँ पर, उन लोगों को भी बोला गया कि आप लोग तो दलाल हो, तो उन लोगों ने वहाँ पर थोड़ा सा फिर धरना प्रदर्शन भी किया।